नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के श्रीवास्तव मार्केट में। और आज यहां पर वैश्य बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का भव्य शुभारंभ हुआ है। हालांकि इससे पहले ये चट्टी पे संचालित था, लेकिन इसका ब्रांच अब शिफ्ट हुआ है यहाँ पर श्रीवास्तव मार्केट में। और ये अदर बैंक से अच्छा यहाँ पर सुविधा है लोन का भी और अकाउंट का भी समिति में। और ये समिति बहुत अच्छा फायदेमंद है, खासकर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए। आइए इनके डायरेक्टर और इनके प्रबंधक और इनके स्टाफ से बातचीत करते हैं, जानते हैं प्रोसेस के बारे में कि इस सरकारी समिति से आम जन के लिए क्या लाभ है, किस तरीके से लोन प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है लोन लेने का और डेली अकाउंट का क्या प्रोसेस है। आइए इन लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं। बैंक है, कितने दिनों से ये संचालित है? वैश्य बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति, ये एक समिति है जो कार्यरत है 2007 से, 2017 से यहाँ 2007 से ये कार्यरत है, लेकिन 2017 से यहाँ ब्रांच खुला है। और ये दूसरे जगह था और आज इसका फिर से शिफ्टिंग हुआ है और इस स्थान पे इसको रीओपन किया गया है। मेन ब्रांच इसका कहाँ? इसका मेन ब्रांच दीपक कॉम्प्लेक्स बबनिया रोड सिवान है। अदर बैंक से और इस बैंक में कितना पेमेंट लोगों के लिए सुरक्षित है? आपके बैंक में अगर लोग इन्वेस्ट करके आपके पास डिपॉजिट करना, फिक्स डिपॉजिट करना चाहें तो? ये समिति में अगर FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, तो अदर बैंक में अगर FD करते हैं तो उसमें ब्याज दर बहुत कम मिलता है। जैसे कि और इसमें है तो 8 साल में आपको डबल मिलेगा, डबल से प्लस थोड़ा सा बहुत थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और अदर बैंक में जैसे किसी में 9 साल में होता है, किसी में 12 साल में होता है, किसी में 11 साल होता है। अलग अलग बैंकों का अपना अलग अलग नियम है, लेकिन ये समिति में अदर बैंकों से अलग नियम रखा गया है ताकि यहाँ के गरीब मजदूर जो भी हैं, जो कि थोड़ा कतराते हैं बैंक में जाने से, वो समिति में निधड़क आएँ। कुछ अनपढ़ भी लोग होते हैं जिनको लिखा पढ़ी नहीं आ पाता है, तो वो भी बैंक में जाते हैं तो उनको इधर उधर काउंटर टू काउंटर भ्रमण करना पड़ता है। यहाँ पर आने पर उनको सुविधा मिलेगी, यहाँ पर स्पेशल व्यक्ति हायर किया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी वो बताएगा हेल्प डेस्क की तरह, और जो फॉर्म है वो खुद सेल्फ फिलअप करेगा और उनका ओपन होगा इमीडिएट अकाउंट। सवाल ये है कि बैंक जो है आपका बैंक प्राइवेट है, तो कितना लोगों का पैसा जो है सुरक्षित है इस बैंक में अदर बैंकों से? इस अगर किसी भी कोई भी लोग यहाँ पे खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, उनका पैसा कितना सुरक्षित है इस बैंक में? 110% पैसा सुरक्षित है इस समिति में, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है और निबंधन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सुरक्षित है क्योंकि 2007 से हम लोग कार्यरत हैं सिवान में और 2017 से हसनपुरा में है, तो कुछ लॉन्ग टर्म हो गया है जिससे कि लोगों को विश्वास होगा कि सुरक्षित है पैसा। राज्य में 2 मिनट के लिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार नाम पड़ेगा। सरकारी जो बैंक यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है, तो एक सवाल ये है कि कितना किन किन लोगों को जो है इस बैंक से बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे कैसे लोग जो है इस बैंक से बेनिफिट उठा सकते हैं? गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक, मध्यम वर्गीय तक, सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, बशर्ते कि नियम और कायदे कानून में अपना क्रियाकलाप रखें तो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट की जहां आप बात कर रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट कितने यहाँ होता है, तो पुरुषों के नाम पर 8 साल में हमारे यहाँ डबल हो जाता है, स्त्री के नाम पर 3 महीना कम, यानी कि 12/8=96 महीना, तो उसके 93 महीना में स्त्री के नाम पर हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल है कि बैंकों में अमूमन जब लोग जाते हैं जी, खासकर लोन लेने के लिए, तो उनको इतना दौड़ाया जाता है कि था जो है वो बैंक में लोन लेने नहीं जाते हैं। देखिए, तो हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो आपके कर्मचारी लोग बता रहे थे कि इस बैंक में सबसे आसान जो है लोन लेना है, कितना सच्चाई है और कितना लोग जो है? लोन लेना आसान चीज है तब है कि कायदे कानून को आप अगर पालन करते हैं उसके अनुकूल न होगा। तो लोन हमारे यहाँ अगर 6 महीना कोई खाता धारक खाता चलाता है तो उसको लोन अलाउ किया जाता है।
ये नहीं है कि आज आइए कल आइए परसों आइए, नहीं आज आइए आज ही लेकर जाइए। मतलब एक दो महीने का कोई खाता रन करता है तो उसको लोन मिलना चाहिए? तीन महीने से ऊपर जी सर। अच्छा। और वो खाता मान लीजिए कि उसके यहाँ उसका जमा है 50,000 रुपया और उसको चाहिए 1,00,000 रुपया तो उसको दो गारंटर देना पड़ेगा तो उसको 1,00,000 रुपया दिया जा सकता है। अगर आप 50,000 जमा किए हैं तो 75% आप कभी भी लेने के लिए हकदार हैं। महिलाओं के लिए क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए अभी बतलाया ना फिक्स डिपॉजिट में 3 महीना कम उसको लगेगा तो यानी कि पुरुषों में लगेगा 96 महीना तो उसको लगेगा 93 महीना। हाँ जी 3 महीना का डिपॉजिट जी। आज क्या छत्रवासियों से अपील करेंगे आप? छत्रवासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि कम से कम संस्था से एक दफ़ा जुटे और लाभ हानि तो जनता तय करती है, क्षेत्रवासी ही तय करेंगे कि हमारे लिए कितना अनुकूल है कितना प्रतिकूल है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आप क्या है इस बैंक जी? वैसे बचते हम साक्षवालंबी सहकारी समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हुए। आपका जो ये समिति है इसमें क्या क्या प्रोसेस है महिलाओं के लिए, आमजन के लिए, पुरुषों के लिए, व्यवसायियों के लिए? व्यवसायी और महिलाओं के लिए भी बहुत सारा स्कीम है। ज़्यादातर व्यवसायी के लिए हम लोग का डेली अकाउंट कि किस तरह अपने कमाई में से डेली पैसा बचा लेना है, आराम से अपना वो डेली अकाउंट खोलेंगे उनके दुकान से डेली का डेली कलेक्शन हो जाएगा, वो पैसा जब चाहें जब ले सकते हैं, उनको आना भी नहीं पड़ेगा। जो आदमी जा रहा है पैसा लेने के लिए वही पैसा दे सकता है। अच्छा, जो 100 रुपया डेली का जो अकाउंट लोग खुलवाते हैं वो उसका क्या प्रोसेस है? अगर वो रिसेंटली लेना चाहे तो किस तरीके से उठा सकते हैं? तुरंत के तुरंत ले सकते हैं 24x7 आवर्स। जी जी, तुरंत के तुरंत उनका जितना भी पैसा जमा हो, मान लीजिए कि RD खाता का अगर 100 रुपया का डेली का अकाउंट है, 1 साल का जमा हो रहा है, जब काम पड़े तुरंत के तुरंत मिल जाए। अच्छा, लोन अदर बैंक से और इस समिति में क्या डिफरेंस है अगर लोन कोई लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? बैंक में और समिति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपको बैंक से 50,000 का लोन लेना होगा तो आपको कितना दिन समय लगेगा? कम से कम 5 से 7 दिन समय लगेगा। हम लोग के यहाँ मात्र 5 मिनट, जो समिति से जुड़ा है मात्र 5 मिनट में उनका लोन हो जाएगा। अच्छा, लोन लेने के लिए क्या करना है? पहले यहाँ पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? जी, पहले अकाउंट होना चाहिए। क्या प्रोसेस है? अकाउंट खुलवाने के बाद कितने दिन बाद आधार और फोटो कितने दिन बाद लोन उठा सकते? जो जुड़ा रहेगा उनको पैसा या काम पड़ेगा तो मिलेगा। जुड़ने के बाद से कितने दिन बाद लोन उठाया जाए? कम से कम 3 महीना 6 महीना। जी जी। और क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से आपकी तरफ से? हम तो बोले हैं कि आए, खाता खुलाएं, चलाएं और एक बार जुड़े खाते के माध्यम से और देखें। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार सिंह। आप यहाँ के किस कार्य पर कर रहे हैं? प्रबंधक है। आप यहाँ के खाताधारी हैं? जी। जिस तरीके से आज शिफ्ट हुआ है ब्रांच, कितने भरोसेमंद ये ब्रांच है, क्या कुछ कहेंगे? कितना मतलब आप पुराने कस्टमर है, कितना लाभ है इससे? हम इसका कस्टमर 2017 से हैं और ये बैंक अभी तक बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है और मेरा कामना है कि आगे भी बढ़िया से काम करे। और ये समिति है और बहुत अच्छा से पहले शुरू से चल रहा है, 2007 से सिवान में चल रहा है और 2017 से हसनपुरा स्टार्ट हुआ है। ये अब यहाँ पर नया शिफ्ट किया गया है थोड़ा सा बेहतर तरीके से कि ग्राहक यहाँ जुड़े हैं और उनका कोई काम हो, बढ़िया से काम हो, बैंक लोन भी दे रही है, पूरे भरोसेमंद के साथ भी लोन दे रही है, खाता भी खोल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयशंकर गुप्ता हुआ, गुप्ता स्टूडियो। मैम, आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? बस मतलब जैसे सर लोग हैं उसी तरह हम मैं भी हूँ। अच्छा, आपके इस बैंक से महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? महिलाओं के लिए या जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये बैंक। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको पैसा रखने में कोई परेशानी नहीं है और पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है और इसमें आपको मतलब हर तरह का अगर निकालने जा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट में पैसा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरे बैंक में जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा खड़ा लाइन लगाना पड़ता है, इसमें ये सब कुछ नहीं है। अपना जाइए, 10 से 5 मिनट में पैसा भी आपका निकल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंकी देवी।
तो ये थे यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के सपोर्ट स्टाफ जो कि इस समिति में काम करते हैं, और यहाँ के कुछ स्थानीय ग्राहक जो लगातार इस समिति के साथ जुड़कर लोन और अकाउंट ओपन कराए हुए हैं। उनका कहना यह है कि ये काफ़ी सुविधाजनक है यह समिति, और आसानी से आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी फायदेमंद है, खासकर गरीब और महिलाओं के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल को भी देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस को जय हिंद।